भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग सुबह चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण ने कैसे धनुर्यज्ञ में धनुर तोड़ने को, पार्ट वन था ये, पार्ट टू। लेकिन इसकी टाइटल है कि कुबड़ा पीड़ का बद्ध हाथी जो है, लेकिन उस कड़ी में धनुर्यज्ञ का बात है ये चल रहा। तो सुबह से बात हम लोग किया था, जो मेकअप मैन था फ्लोरिस्ट, हाँ, उसी घर से जब कृष्ण बलराम निकले तो उन्होंने कुब्जा को देखा, जिसका नाम था हंच बैक्ड यंग वुमेन, युवती था, ऐसा नहीं कि बूढ़ी था, ऐसा ऐसा नहीं था, युवती, लेकिन कुब्जा था, मतलब चलती नहीं थी, सीधी टेढ़ी मेढ़ी चलती थी, हंच बैक्ड। हंच पैक्ड मतलब जो पत्नी बोल कर रहा होते हैं, पत्नी जो जिसका पत्नी का हाँ में हाँ जो व्यक्ति मिलाता है उसको कहते हैं हंच पैक्ड। हाँ, अब ये हंच बैक्ड मतलब जिसके पीछे से, हाँ। तो जो महिला थी, युवती स्त्री थी, उन्होंने एक लोटा मतलब डिश चंदन का ऐसा लेके जा रही थी, चंदन का ऐसा हम लोग बोलते ना, जैसे कि आप देखा होगा कभी कभी लोग चंदन थोड़ा लगाते हैं, 1 रुपया 2 रुपया लेते हैं, उनका एक चंदन का पात्री रहता है ऐसा। और नहीं तो आप देखा होगा यात्रा में जाते हैं तो वो एक लड़के, छोटे छोटे लड़के लोग एक छोटा चंदन बना के रखते हैं टोक, एक छोटा सा पात्र में, इसको क्या बोलते हैं सब लोग, चंदन लगाने का डब्बा एक रहता है ना, टीका लगा के देते हैं, वो फिर आपको ऐसा लगा देता है, और किधर किधर, इधर भी लगाता है, इधर भी लगाता है, इधर भी लगाता है, सभी जगह लगा देता है वो। तो ये देखा होगा, तो इस तरह वो महिला लेके जा रही थी। जब भगवान कृष्ण सभी आनंद का आगार है तो चाहते थे कि, उन्होंने थोड़ा जोक थट्टा मजाक करे इस महिला से, हाँ, तो भगवान ने थोड़ा मजाक किया उससे, उन्होंने कहा कि भगवान उसका, वो टॉल यंग वोमैन, हे ऊंची दिखने वाली महिला, आप कौन है, जबकि कुब्जी थी, हाँ, कुबड़ी थी, मतलब ऐसा जाती थी, लेकिन उसको बोल रही है तो हम उड़िया में बोलेंगे तो ओ डेंगई किधर जा रही है, डेंगई हम लोग डेंगई बोलते हैं उसको, हाँ, आप कौन है, कहाँ, हाँ, आप मुझे बताओ, आप किसके लिए ये चंदन ले जा रहे हो तुम्हारे हाथ में, मैं सोच रहा हूँ आप यही चंदन मुझे ही लगाओगे लग रहा है, अगर ये करोगी तुम, तुम्हारा भाग्य बहुत बदल जाएगा, अगर इतना कर लोगे मेरे लिए। कृष्ण स्वयं भगवान है, वो जानते थे इस महिला के बारे में, एक उपजा के बारे में, तो उन्होंने पता लगाया, जिनकारी वो बताए, मतलब भगवान ने इस तरह जो पूछ रहे थे, भगवान चाह रहे थे कि बताने के लिए, ये राक्षस का, ये दानव का जो कंस का सेवा करना कोई जरूरी नहीं है, तो ये बेटर है कि सेवा करना किसका, कृष्ण बलराम का सेवा करना। और वो महिला ने बात किया, उत्तर दिया, उन्होंने कहा माई डियर श्याम सुंदर, हे श्यावले सांवरे, आप जान, आपको मालूम होगा कि मैं कंस का दासी हूँ, कंस की सेवा में मैं हूँ, और मैं रोज़ उसको चंदन लगा देती हूँ, और ये राजा बहुत प्रसन्न होता है मेरी सेवा से, और फिर मुझे इस तरह की चीज़ देती है, देते हैं मुझे, तो मैं अभी देख रहा हूँ कि नो वन हु कैन बेटर बी सर्व बाई दिस पल्प ऑफ सैंडल दैन यू टू ब्रदर्स, आप, मैं अभी देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि आप दोनों की सेवा करना सबसे अच्छा है, आप दोनों को मैं लगा दूँ, और मैं आपकी दोनों की सुंदरता इतना मुग्ध हो गई हूँ देख करके, हाँ, आई एम टोटली कैप्टिवेटेड। तो इस तरह बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और इस तरह
तो वो जो महिला थी, कुब्जा थी, तो तुरंत वो चंदन लगाने लगी, अवर देयर बॉडीज विद ग्रेट सेटिस्फेक्शन डिवोशन। भक्ति और तुष्टि से, मतलब बहुत प्रसन्न थी तो इसलिए लगाई। साधारणतः हमारा मंदिर में आप देखते हैं कोई यात्रा वगैरह होता है, जैसा कि रथ यात्रा होता है, तो भक्त लोग खड़े रहते हैं चंदन लगाने के लिए। जो भी भक्त आते हैं उनको चंदन लगा देते हैं और माला पहना देते हैं ऐसा। और कृष्ण बलराम तो ऐसे ही सुंदर थे और इनकी इतना सुंदर शरीर का गठन था, तो बहुत सुंदर भी कपड़े पहने थे। मामा जी का कपड़ा जा रहा था, सुबह पहन लिए थे सब अच्छा कपड़े। और उनके जो ऊपर भाग शरीर है बहुत सुंदर था, 56 इंच। और ये जो महिला थी, सारे जगह चंदन लगा दिया पूरा बॉडी में। इसलिए चंदन यात्रा के समय हमारा राधा रसवीर को पूरा शरीर में चंदन लगाया जाता है। और चंदन लगाना चाहिए, अगर बैड स्मेल है बॉडी में आता है हमारा, बदबू पसीना पसीना होता है ना, तो चंदन लगाने से वो चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से तो चंदन मिलता भाई, है ना। चंदन जो है ना, चंदन का पेस्ट बॉडी में अगर लगाओगे तो क्या होता है, बॉडी में सूख जाता है। वो सूखने के बाद बहुत अच्छा काम करता है, तो बॉडी में ब्याड़ असर नहीं आता है। तो हम लोग गीत गाते उड़िया में, चंदन नहीं ले वासो चहटी बोकी, तुलसी नहीं ले वासो चहटी बोकी, चंदन नाइले गोरा हो जीव कि, अरे ते सज हुआ कहीं की। ऐसा हम लोग गीत गाते, अर्थात तुलसी धारण करने के बास निकलेगा या चंदन होने से गोरा हो जाएगा, तू तो काला है, कृष्ण काला है ना, श्याम सुंदर। तो बहुत सुंदर दिख रही थी, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो इसकी सेवा से। तो भगवान कृष्ण चाहे कि इसको कुछ वर दिया जाए, कुछ तो रिवार्ड, कुछ गिफ्ट। दूसरे शब्द रहे तो भगवान की थोड़ा अटेंशन प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत भक्त लोग कभी कभी भगवान कैसे सेवा करते हैं। जो भी भक्त लोग सेवा करते हैं, जो भी सेवा कुकिंग, भगवान कुछ भी सेवा करते, भगवान कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त का एक लक्षण है कृष्ण आकर्षणी। हम लोग भक्ति सिद्ध रसा में तो सिंधु पहला चैप्टर में पढ़ा था ना, कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण और किसी से आकर्षित नहीं होते, आपकी सेवा से आकर्षित होते हैं। और कृष्ण को नहीं तो आप प्रसन्न नहीं कर सकते बाई एनी एक्शन, कोई भी कार्य से अदर देन ट्रांसजेंडर डूइंग डिवोशन। भक्ति के अलावा और किसी से आप उनको आकर्षित नहीं कर सकते। इस तरह सोच करके कृष्ण भगवान ने उस कुब्जा का जो ना फीट था, मतलब चरण को प्रेस करके अपने मतलब टो से ऐसा थोड़ा खींच दिए ऊपर, कैप्चरिंग हर चिक्स विथ हिज फिंगर्स, ऐसा ऐसा कर उठा दिए, पैर को थोड़ा ऐसा पकड़े बांध के ऐसा खींच दिए। तो गेव हर ए जर्क इन ऑर्डर टू मेक हर स्ट्रेट, सीधा बना दिए, है ना। दाऊ जी भी एक बार ऐसा किया, जो रेवती था उनका जो पत्नी थी वो बहुत फिट थी, 49 फीट का थी, अरे इतना तो ऊंचा रहेगा तो कैसे होगी। हाँ, तो इसलिए भगवान ने बलराम ने ऐसा हाल ऐसा किया, ऐसा खींच दिया नीचे, खींच दिया वो पूरा बराबर सेम हाइट थोड़ा हो गई, थोड़ा नीचे थोड़ा थोड़ा बांगड़ी कर दी। अच्छा नहीं, पत्नी थोड़ा ज़्यादा हाइट का अच्छा नहीं लगता है पति से, कोई भी हस्बैंड वाइफ जब जोड़ी होता है ऐसा नहीं कि पत्नी 4 फुट का ऊपर पति से दिख रहा है उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान जो ऐसा करते हैं, कोई बिना ऑपरेशन, बिना प्लास्टिक सर्जरी से, बिना किसी प्रकार की इसमें से भगवान कर सकते हैं, देयर इज नो नीड, सारे अंग प्रत्यंग ठीक हो जाता है। तो जो कुब्जा स्त्री थी इतना सुंदर हो गई, नितम उसकी पूरा शरीर बहुत सुंदर हो गई, मानो स्वर्ग का अप्सरा। और इस कुब्जा की सेवा से भगवान प्रसन्न हुए थे। जब कृष्ण के हाथ उसकी स्पर्श हुआ
तो दुनिया का सबसे खूबसूरत मतलब मिस यूनिवर्स हो गई वो, हाँ पूरी स्तर इतना सुंदर हुई। इस घटना से हमको ये प्रतीत होता है कृष्ण की सेवा करने से ये भक्त लोग बिकम्स एलिवेटेड टू द मोस्ट एग्जॉस्टेड पोजिशन इन दिस रेस्पेक्ट, सबसे महान पद को प्राप्त कर जाते। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे दिस आवर बॉयज लुक देम लुक एट देम, ये पहले इतना सुंदर नहीं तो हिप्पी सा घूम रहे थे, बट आफ्टर कमिंग दे शेव्ड देयर हेड सुंदर तिलक तो इतना सुंदर दिखते हैं। और मैंने देखा वो कई लोग रिलेशन बताते हैं हरे कृष्ण मंदिर में जाते इतना सुंदर लड़के कहाँ से लाए आप लोग, जिसको देखते हो समान दिखता है सेम टू सेम। मैं नया नया 2-3 साल हुआ था मुझे तब, एक माता पूना से आई थी, मैं तो गिप्सल में बैठा था, वो आई बोल रहे प्रभु आप कब से इधर आए हैं, कब से आए काफ़ी दिनों से इधर हूँ। नहीं नहीं मैं पूछ रही हूँ आप पूना से कब आए, मतलब पूना कभी गए नहीं तो आए कब। फिर बाद में 2-4 बार मुझे ऐसा देखा, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ आप सच में पूना से नहीं आया, बोला नहीं आया मैं पूना से, आपके हूँ बहुत पूना में एक रहता है। तो ऐसा लोग सेम, मैं पूछता हूँ कौन था भक्त कौन था, बोलते कैसे पहचानो सब तो समान जैसा दिखते। हाँ इसलिए बाहर के लोग पता नहीं लगा पाते कौन है। हाँ तो ये भक्ति जो डिवोशनल सर्विस इज सो पोटेंट, इतना पावरफुल है कि अगर कोई भी इसको ग्रहण करता है वो योग्य बन जाता है और उसके सही प्रकार गुड गॉडली क्वालिटी आती है, मतलब देवता का देवो लोगों का गुण आता है। और भगवान कृष्ण उस कुब्जा के प्रति इसीलिए आकर्षित नहीं हुए कि वो सुंदर बन गई थी, इसलिए आकर्षित हुए उसकी सेवा से। तो भक्ति में सेवा से किसी को कोई आकर्षण कर सकता है, ये जो चमक धमक से कोई आकर्षित नहीं हो सकता। तो जैसे वो सेवा किया वो तुरंत इतना सुंदर बन गई, इसलिए कृष्ण भावना भावित भक्त ऊपर से सुंदर होना कोई जरूरत नहीं है। और कृष्ण भावना तो सुंदर बनना है तो सेवा करिए और बहुत सुंदर दिखता है। तो इस तरह जब वो महिला जब इतना सुंदर बन गई कृष्ण भगवान की कृपा से, तो वो नेचुरली बहुत तरह की कृतज्ञता ज्ञापन किया, मतलब कृतज्ञ बन गई कृष्ण भगवान का प्रति, उसका एक ऑब्लिगेशन आया कि भगवान ने मेरे प्रति ऐसा किया। हम लोग ऐसा ऑब्लिगेशन करते हैं मतलब आभार व्यक्त करते हैं, है ना, तो आभार व्यक्त किया तो इतना वो सुंदर हो गई थी। तो बिना हिचकिचाए उन्होंने भगवान कृष्ण का एक कपड़ा पकड़ लिया और खींचने लगी और खींच करके बोलने लगी, तो इसको इतना तरह से प्रभावित थी वो सब कुछ भूल गई और रोड पे भगवान कृष्ण की हाथ पकड़ के खींच रही थी। हाँ और किसके सामने, दाऊ जी के सामने, मतलब भाई है भाई के सामने वो खींच रही थी। चलो तो गोपियाँ भी इस तरह कभी कभी कृष्ण को मिल जाते थे ना रास्ता पर कहीं भी, तो कृष्ण को पकड़ लेते चलो चलो हमारे घर में चलो। तो ये कोई ऐसा भाव नहीं, कभी कभी ऐसा हम देखा है कि जो कॉलेज में पढ़ते थे, एक बार मैं गांव में गया था तो कॉलेज में पढ़ रही थी एक लड़की मेरा साथ में, वो मैरिज कर चुकी थी तब, मैरिज मतलब 18-19 साल में मैरिज कर जाते हैं। तो देखी तो बताएगी अरे तुम हमारे गांव में आए हो चलो हमारे घर में, बोला तुम्हारा घर में किधर, बोला ये हमारा घर है, तो ले गई थी। तो कुछ पीठा बनाई थी वो ला के दी, बताया कि मैं इधर ही शादी को, बोला तू तो यही गांव का है यही गांव में शादी किया, बोलते हाँ ये हमारा घर सामने, बोला सामने टू सामने में फ्रंट टू फ्रंट शादी किया वो। हाँ नहीं उनका अरेंज मैरिज का आपका कुछ था, तो बोला ये सामने ही मेरा घर है इधर है मेरा, बोले ऐसा कैसा हुआ सामने सामने तो शादी किया है। तो बताया तो ऐसा कभी कोई फ्रेंड्स होते तो कई अगर गांव में कोई मिल जाते हैं तो फिर वो लोग फिर बुलाते हैं। तो हमारे गांव गांव बाजू बाजू में प्रोग्राम करता हूँ ना कभी कभी जाता हूँ, तो
तो कई लोग मुझे पहचान नहीं पाते, ये कौन है हमारा क्लास में। इस बार एक दो थे, ये लड़का हमारा साथ पढ़ रहा था क्या? हाँ, काफ़ी समय कन्फ्यूज थे वो लोग। पूरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद बड़ा डर डर के पूछने आए थे वो लोग कि आप वो गांव का है ना, वहाँ तो क्या पहचान नहीं पाए आप, कहाँ पहचाने आपको। तो इस तरह तो वो फ्रैंकली प्रपोज किया था भगवान कृष्ण को, और इस तरह उन्होंने कहा कि मेरे घर में आओ, आपने इतना मेरा कृपा करी और मैं बहुत आकर्षित हूँ आपके प्रति और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, इस तरह उन्होंने कहा। दूसरे शब्दों में मतलब अगर साफ साफ बताया जाए तो वो चाहती थी भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण थोड़ा बहुत लज्जित हुए क्योंकि वो अपने भाई के सामने थे, फिर वो जानते थे कि जो युवती है जो कुब्जा थी बड़ा सिंपल है, और क्योंकि इतने जब उसके जीवन में इस तरह की परिवर्तन आई है तो एक नेचुरली उसकी प्रति वो आकर्षण था, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सुंदर बनना चाहता है, अगर कोई पूरा ब्लैक है उसको किसी कृपा से वाइट हो जाए तो कितना बोलेगा, अरे मैं तो दुनिया में मुझे कितना लोग ब्लैक ब्लैक बोल रहे थे, है ना मिनिमम। तो भगवान ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप इस तरह के इन्विटेशन से, मैं घर में आऊँगा लेकिन मेरा थोड़ा कुछ काम है, मुझे काम निपटा करके आऊँ तब। उम्र कितना था? 8। तो भगवान 8 साल के थे तब। मथुरा जो गए 11 साल या 8 साल, हम लोग तो 8 साल बोलते हैं। ओके 11 ईयर या 8 ईयर पकड़ो, 11 ईयर 11 ईयर ना, ठीक है। तो भगवान 11 साल के तब थे, तो भगवान ने कहा आप इतना सुंदर हो बट आप हमें प्रसन्न कर सकते हो। तो इस तरह उस युवती को भगवान ने ये कहा इस बात, तो भगवान बड़े मीठे शब्दों में उनसे बात किया, इसको ऐसा नहीं कहा कि उसका दिल नहीं तोड़ा, भगवान ने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा। फिर भगवान आगे चलने लगे, तो जहाँ पर लोग फिर आगे उनको स्वागत करने के लिए थे और भगवान को स्वागत इस तरह चंदन आदि लगा करके कर रहे थे, लेकिन ये तो पूरा चंदन लगा दिया था। हाँ, तो जो सब वहाँ के बिजनेसमैन थे मथुरा के, वो भगवान कृष्ण बलराम को बड़े रेस्पेक्ट किया, क्योंकि माल सब आता था इनकी फैक्ट्री था ना बड़ी, कौन सी फैक्ट्री था। भगवान कृष्ण के पिताजी कौन सी फैक्ट्री था? दूध डेयरी था। तो इतना बिजनेसमैन लोग, तो बिजनेसमैन लोग आकर के भगवान को ये किया, और भी बाकी बहुत सारे महिलाएं आके मिले रास्ता में दोनों तरफ से, लेकिन जो खासकर यंग थी वो लोग कहीं बेहोश हो गए देख करके भगवान कृष्ण को, और भूल गई सब कुछ कृष्ण को देख कर गए। तो भगवान कृष्ण उन लोगों को वहाँ पर पूछा कि कहाँ सैक्रिफाइस हो रहा है, मतलब यज्ञ कहाँ हो रहा है। तो यहाँ एक लासुर स्टेशन गांव है, तो वहाँ पर आप जाओगे तो भगवान शिव जी की ससुर जी गांव है, वो दक्ष प्रजापति गांव है जहाँ पर सती का जगह है, औरंगाबाद में लासुर स्टेशन है ना। तो यहाँ पर शिव जी का यज्ञ कुंड है, मतलब दक्ष प्रजापति का। तो ये धनुर्यज्ञ शुरू किया था कंस ने, अरेंज किया था, जिसके द्वारा टू डेस्किन द पर्टिकुलर सैक्रिफाइस। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा धनु रखा था उस यज्ञशाला की बाजू में सैक्रिफाइशल अल्टर में, और ये जो धनु बहुत बड़ा था आश्चर्य था, और इंद्रधनु जैसा था, रिजेंबल रेनबो इन द स्काई, इसकी आभा से प्रकट से
आकाश में इंद्रधनुष दिखता था, इतना इसका चमक था। और उस जो यज्ञशाला के एरिया में, तो वहाँ पर बहुत कनेस्टेबल लोग थे, मतलब प्रहरी लोग थे, प्रहरी दे रहे थे। देखो प्रभुपाद जी इंग्लिश में कनेस्टेबल शब्द यूज किया है, मतलब प्रहरी बोले के तो शब्द नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी इंग्लिश वर्ड कनेस्टेबल यूज किया है, समझ रहे। और वॉचमैन भी वहाँ रखा था जो कंस के द्वारा नियोजित थे। जैसा कृष्ण बलराम उस धनुष के पास गए तो उन्होंने जाना चाहते थे, तो उनको मना किया गया मत जाओ, बट कृष्ण ने इग्नोर किया, सुना नहीं, इस वार्निंग को सुना नहीं, तो वह डेंजर जोन में था। वो जो रखा गया था ना, उसे लिखा था प्रोहिबिटेड एरिया, हाँ बड़ा बड़ा चिन्ह भी था ऐसा प्रोहिबिटेड का, 440 वोल्ट डेंजरियस ऐसा लिखा था। फिर भी भगवान कृष्ण जबरदस्ती वहाँ गए, वेंट अप एंड इमीडिएटली टू द बो ऑन हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड में भगवान पकड़े। भगवान सदैव बाएं हाथ बोलते ना, लोग बोलते ना ये मेरा बाएं हाथ का खेल है, तो ये भगवान सब बाएं हाथ में करके दिखाए, बाएं हाथ का खेल मेरा। तो उसमें प्रत्यंचा चढ़ाया, उस धागा लगाया सभी लोगों के सामने, और इस तरह वो खींचा पड़ते तो टूट गया दो खंड में। जैसा वो टूटा, जैसा कि भगवान कैसे किया, जैसा कभी कभी आप लोग हाथी अगर एक गन्ना का पेड़ को तोड़े, कैसे तोड़ेगा, कड़क ऐसे करेगा ना। अगर छोटा बच्चा पेंसिल को भी तोड़ो, फटक, क्योंकि पेन भी ऐसे तोड़ते थे हम लोग, गुस्सा तो पेन को ऐसा तोड़ते थे, है ना। इधर एलिफेंट ब्रेक शुगर कैन इन द फील्ड, सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे इस कार्य का बहुत सराहना किया। और उसके जो साउंड था, उस धनुष का टूटने का जो क्रैकिंग साउंड था, पूरा नभ और स्थल जड़ सब कुछ सभी जगह गूंजने लगा। और कंस भी सुना इसको, कंस भी सुन लिया। जब कंस सुना वो पूछा व्हाट आर हैपेंड, क्या घटना घटी। फिर उसको बहुत डर लगने लगा, डर सताने लगा उसके जीवन के प्रति। और जो लोग उस धनु का सब देखभाल कर रहे थे, केयर टेकर थे, और जब सब देख खड़े होकर वो तमसा देख रहे थे बहुत गुस्सा हो गए। एंड अपने सब बाल जितना भी अस्त्र शस्त्र पकड़े थे वो कृष्ण की तरह ढूंढने लगे चिल्लाते हुए, अरिष्ठ हिम किल हिम ऐसा बोल रहे थे रसूल लोग, मार दो उसको। और कृष्ण बलराम पूरा घेरे हुए थे, सीन समझो कि चारों दिशा से लोग मारने के लिए है, पूरा मॉब लिंचिंग की ओर है, लेकिन कृष्ण बलराम को कोई, एंड कृष्ण एंड बलराम वो सराउंडेड उनका चारों बाजू में। जब ये समझ गए कि सिंस्टर मोटिव्स ऑफ द गार्ड्स, इनकी जो मोटिव भगवान समझ गए, दे बिकम एंग्री, वो दोनों गुस्सा हो गए। और भगवान ने वो जो टूटा हुआ था धनुष, दोनों एक एक पीस पकड़े थे, दे बिगान टू बीट डाउन ऑल द कंस कैरेक्टर, सबको पीट कर रख दिए। मतलब भगवान के पास ऐसा लाठी चलाना भी मालूम था, क्योंकि भगवान के 64 कड़ा है ना, लाठी को बहुत स्पीड में चलाते भगवान। और भगवान लाठी चलाए तो कौन सी तरफ बाजू में रहे, हाँ एक छोटा सा सोलिस की दाना भी एंट्री नहीं मार सकता है, हाँ। तो इस तरह जब अनहोनी घटना वहाँ घट गया, तो कंस ने वहाँ पर कुछ और ट्रूप भेजा सैनिक, बट कृष्ण बलराम फॉट विद देम ऑल्सो एंड किल्ड देम, सबको मार दिया। इस घटना के बाद तो भगवान कृष्ण ने आगे नहीं बढ़ा, उस जगह से आगे नहीं बढ़ा। फिर भगवान कृष्ण ने गेट की ओर गए जहाँ गेट था, और फिर भगवान कृष्ण बलराम ने दोनों जाकर के रेस्टिंग कैंप की, जहाँ उनका रहने के लिए व्यवस्था था, तो वहाँ चले गए कैंप में। तो उस जगह पर उन्होंने जब जा रहे थे तो उन्होंने मथुरा सिटी के बहुत सारे अलग अलग जगह देखा, बड़े आश्चर्य भी हुए देख करके, बड़े प्रसन्न हुए। तो इस कार्यकलाप को देख करके और वंडरफुल सब कार्य घटना को पहले सुन रखे थे मथुरावासी, लेकिन वो सोचने लगे ये दोनों भाई जो है मथुरा से आए हैं ये देवता लोग हैं। पहले तो बहुत सुना था
कम से कम जितना भी प्रतिनिधि थे सबको मार दिए थे, लेकिन अभी सामने सामने देखा, मतलब उस दिन मथुरा में भी घटना देखा और उन्हें सोचा कि देवता लोग हैं और मथुरा में आ गए हैं, और ये लोग सब आश्चर्य से देखे। ये दोनों भाई पूरा फ्री जा रहे थे, नॉट केयरिंग फॉर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कंस, कंस का कोई लॉ ऑर्डर मान नहीं रहे थे। कहीं जगह कहीं रुकावट था, कहीं पुलिस बोला था इधर नॉट अलाउड जोन, तो जैसा शाम हो गया सनसेट आया, कृष्ण बलराम और उनके जो साथी लोग थे कावड़ बॉयफ्रेंड्स, वो फिर सिटी के बाहर गए, थोड़ा आउटस्किट ऑफ द सिटी, बाहर थोड़ा घूमने के लिए, और जहाँ पर उनके सब बैलगाड़ी जो आए थे सब वहाँ पर, मतलब कार भी गए थे पार्किंग जो एरिया पार्किंग लॉट। तो कृष्ण बलराम थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि कम से कम हम लोग आ गए, तो और कम से कम ये समझ में आ गया था कि कल क्या होने वाला है, कल कुछ तो दुर्घटना हो सकता है। और कृष्ण बलराम हैड बीन गोइंग फ्रॉम वृंदावन टू मथुरा, और जो वृंदावन वासी थे ये लोग को ये सोच हुआ, सोच पड़ा कि ये लोग कल्पना किया था कि मथुरावासी भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन करके आनंदित हो गए, उनको बड़ी अच्छी हो गई। और फिर ये वृंदावनवासी जो थे द फैंटेसी ऑफ द रेसिडेंट ऑफ वृंदावन वेयर नाउ एक्चुअली रियल, उनको समझ में आया कि मथुरावासी बड़ा प्रसन्न हुए हैं कृष्ण बलराम को देख करके। जब कृष्ण रिटर्न किए अपने कैंप में बसा में जहाँ पर वो रह रहे थे, तो वहाँ पर जो सर्वेंट लोग थे, मतलब दास मतलब जो भी वहाँ पर आए थे उनको सेवा में, तो भगवान के चरण धोए, उनको अच्छा सीट दिए, उनको दूध और कुछ अच्छा अच्छे पकवान दिए खाने के लिए, और इस तरह सुपर एंड थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट डेज प्रोग्राम ही वेरी पीसफुली टू क्रेस्ट, भगवान कृष्ण आराम से हो गए लोग। और रात बीता, दूसरे दिन आया, जब कृष्ण को समझ में आया कि उसके धनुष टूट गया है, एंड द किलिंग ऑफ द केयर टेकर्स एंड सोल्जर्स बाय कृष्ण ही कुड पार्शियली रियलाइज, तो थोड़ा सा आभास हुआ कि कृष्ण भगवान का क्या पावर है, और उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि जो देवकी का आठवां जो लाला है बेटा है ये प्रकट हुआ है, इसकी मृत्यु सुनिश्चित है, इमिनेंट डेथ, मृत्यु सुनिश्चित है। इस तरह अपने भावी में आसन्न मृत्यु को सोच करके समझ करके, तो रात भर सो नहीं रहा था, उसको नींद नहीं था, रेस्टलेस था, उसको बहुत प्रकार के अलग अलग इन ऑस्पिशियस विजन दिखाई दिया, मतलब अशुभ घटनाएं। वो समझ पाया था, समझ चुका था कृष्ण बलराम जो है, जो लोग सिटी में आ चुके हैं ये मेरे मृत्यु का सौदागर है ना, मृत्यु का सौदागर। और कम से ऐसा देखा वेरियस काइंड्स ऑफ इन, तो बहुत सारे अशुभ घटना देखा, जैसा कि जगते हुए भी देख रहा था, सपनों में भी देख रहा था, जब वो आईना में देखता था ही कुड नॉट सी हिज हेड, वो अपना सर नहीं दिखता था, जबकि वो प्रेजेंट था वो दिखाई नहीं देता, तो उसको ऐसा दिखाई देता था कि लिमिनरीज इन द स्काई इन डबल, जैसा कि धूमकेतु दिख रहा है, कुछ उल्का दिख रहा है ऐसा। कभी कभी अपने जो शैडो मतलब परछाया में वो छेद देखता था, और फिर हाई बुजिंग साउंड विद इन हिज ईयर्स, कान में गिंग गिंग सुनाई दे रहा था उसको, और अपने सामने जो पेड़ थे ऐसा मानो पतित हो रहा था कि जैसा कि पेड़ सब जैसा कि सोना में बना हुआ है, खुद का फुटप्रिंट्स देखने पाता,
इन डस्ट और मडी क्ले, वो दिखाई नहीं देता था। और वो स्वप्न में ये भी देखता था बहुत सारे घोस्ट, मतलब भूत पिशाच, उनको सब डंकी खींच खींच के लेके जा रहे हैं, मतलब गधे खींच के लेके जा रहे हैं। वो सर ड्रीम दैट समवन गेव हिम पॉइजन, कोई उनको विष दे रहा है और उसको पी रहा है, ये जान बुझ पी रहा है। और उन्होंने वो भी देखा, ही वॉज गोइंग नेकेड विथ ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूल की माला से, और उसके शरीर सभी जगह तेल लगाया जा रहा है। तो इस तरह दस आज कम से सौ वेरियस साइंस ऑफ डेथ वाइल बोथ अवेक एंड स्लीपिंग। जब कोई मर जाता है तेल लगाया जाता है, उसको चंदन लगाया जाता है खाली बॉडी को, और माला पहनाया जाता है, मतलब मरने के बाद जो ये सब दिख रहा था उसको, तो ऐसा समझ गया कि मृत्यु सुनिश्चित। तो इस तरह एंग्जाइटी में ही पूर्ण ड्रेस दैट नाइट, रात सो नहीं पाया। जैसा रात बीत गया तो उन्होंने तुरंत दूसरे दिन मल्ल युद्ध का अरेंज किया। जब मल्ल युद्ध रेसलिंग एरिना वाज नाइसली क्लीन, साफ सफाई किया गया, और उसमें बहुत सारे बड़ा बड़ा झंडा, फेस्टून्स, फ्लावर्स, ऐसा सब फूल वगैरह सब लगाया गया था, और मैच को अनाउंस किया गया था ड्रम बजा करके, डिग 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 डिग, आज यहाँ पर मल्ल युद्ध होने जा रहा है ना। और प्लेटफॉर्म जो बनाया गया था मल्ल युद्ध करने के लिए वेरी ब्यूटीफुल था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लैग स्ट्रीमर्स सब लगाया गया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलरीज वर अरेंज्ड, लोगों को देखने के लिए पैविलियन भी था। और जैसा कि राजा लोग, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग कैसे कैसे बैठा जाएगा, ये सब अरेंजमेंट भी किया, VVIP सेक्शन ये सब। और बड़े बड़े राजा महाराज लोग आए थे, और उनके लिए आसन रिजर्व था, एंड अदर्स आर अन सीट्स ऑल्सो। कम से अंत तक फाइनली अराइव्ड, उसके बहुत सारे मिनिस्टर लोग, सेक्रेटरी लोग, सब लोग थे उनके साथ। कौन सा जो आ रहा था प्रोटोकॉल में आया, और वो बहुत बड़ा एक मंच के ऊपर बैठा जो कि उसके लिए बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवशतः ही वॉज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ ऑल हिज गवर्निंग एग्जीक्यूटिव हेड्स, हिज हार्ट वॉज पालपिटेटिंग इन फियर ऑफ डेथ। फिर भी उसका छाती धुक 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 कर रहा था, वो सबका बीच में बैठा था डर के बारे। तो क्रूअल डेथ एविडेंटली डज नॉट केयर इवन फॉर ए पर्सन आज पावरफुल आज कम सर। कम सर जैसा भी पावरफुल व्यक्ति हो भी, फिर भी ऐसा व्यक्ति को मिस्र का राजा को ऐसा मारा गया था 1981-82 या इस समय, मिस्र के प्रेसिडेंट को, उसको भी उनके देश के जो ये दिन होता है स्वाधीन दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उस दिन के सभी लोग थे उसको मार दिए, कू कर किए थे वो लोग, नहीं चाहिए। अच्छा प्रेसिडेंट था वो, इंडिया के साथ भी अच्छा उसका रिलेशन था, और वहाँ थोड़ा कट्टरवादी मुस्लिम्स रहते थे, लेकिन ये थोड़ा ग्लोबलाइजेशन वाला था, सबको ले कर चलने वाला, तो इसीलिए उसको जो कट्टरपंथी वाले मार दिए थे। तो क्रूएल डेथ कभी भी आ सकता है, व्हेन डेथ कम्स इट डज नॉट केयर फॉर एनीवन्स एग्जॉल्टेड पोजीशन, चाहे रूसी का पेर हो, कोई खापुर टपुर हो, कोई भी होने दो, वो मरेगा, समझ रहे कि नहीं। मृत्यु कभी भी आ सकता है, ऐसा मत सोचो कि कपूर हुआ तो मरेगा, नहीं, कपूर करपूर कोई भी हो मरेगा, लेकिन मृत्यु ऐसा अवश्य भावी। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर बड़े बड़े रेसलर्स आए, WWE वाला, जैसा कि मिस्टर खली, खली फली नहीं, खली का अभी खली जैसा आप देखते हैं ऐसा, तो हुआ टू एग्जीबिट देयर स्किल्स बिफोर द असेंबली वॉक इनटू द एरिना। सब लोग वहाँ पर जा रहे थे, जो लोग दिखाना था उधर लड़ने वाले थे, और वो सब बड़े अच्छा अच्छा ड्रेसिंग पेंटिंग होकर आए थे, नाइस ड्रेस ऑर्नामेंट। सम ऑफ द फेमस रेसलर्स वेयर, सबसे बड़ा बड़ा नाम था तब का, ये आजकल कुछ नहीं है, जो माइक टाइसन फैशन कुछ नहीं है, चाणूर, मुस्टिक,
सड़ा कूटा तो सड़ा बिंग एनलाइनमेंट बाय द म्यूजुअल कंसर्ट वहाँ बजता था डिग 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 ऐसा बजता था दे पास थ्रू दिस विद ग्रेट अलर्सिटी बड़े पूरा ताम ठान से चल रहे थे वो लोग तो वहाँ पर जितना भी से ग्वाले लोग आए थे वृंदावन से नंद महाराज और ये सब उनको भी इन्विटेशन किया गया था तो प्रेजेंटिंग कम्स विथ द मिल्क प्रोडक्ट्स दे हैड ब्रॉट विथ देम द कावर्ड मैन ऑल्सो टुक देयर रेस्पेक्टिव सीट्स बाय द साइड ऑफ किंग।